क्या आपने कभी ओरियो के पकोड़े खाए हैं? तो आज मैंने एक वीडियो में देखा कि ओरियो के पकोड़े भी बनते हैं। भाई मैं हलवाई हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ओरियो के पकोड़े बनते हैं। मैं पहली बार आज खुद ट्राई करने वाला हूँ। मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियो, तो मुझे खाने का मन किया, ट्राई करने का मन किया कि मतलब ये ओरियो का पकौड़ा है तो कैसा लगता होगा यार। ओरियो तो मीठा मीठा होता है, तो पकौड़े नमकीन कैसे होंगे? तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मैंने ट्राई किया। यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट 2 पैकेट लिया, 10-10 रुपए वाले। मैंने थोड़ा सा ही लिया, मैंने बहुत ज़्यादा बनाया नहीं। मैंने सोचा कि क्या पता कैसा लगेगा खाने में, और आपको भी रिव्यू दूंगा कि कैसा लगता है, या आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। वैसे मीठा ही लगेगा थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि ये मीठा होता है। अब हमें क्या करना है, मैंने जब यूट्यूब पर देखा तो वो बेसन के घोल में फ्राई कर रहे थे उसको, पकौड़ों को। तो मैंने बेसन 1 कप लिया है, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाला है कलर के लिए, और स्वादानुसार नमक, नमक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है ताकि नमकीन सा टेस्ट लगे, और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा इसके अंदर डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च अगर आपके पास है पाउडर तो डाल सकते हो, और थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए मैंने लेमन का जूस इसमें डाला है। लेमन जूस नहीं है तो आप आमचूर भी डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ये बनाने वाला नहीं था। और मेरा ट्राई करने का मन किया, तो ये दिल्ली में मिलता है, तो दिल्ली तो इतनी दूर जा नहीं सकते, मैं पंजाब में रहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही ट्राई करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बेसन का घोल पानी डाल के रेडी कर लिया है, जितना पतला आप रेडी करना चाहे कर सकते हैं। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा ताकि फ्लफी हो, फूला हुआ हो, इसीलिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाला है। और अब हम जो बैटर हमने रेडी किया है उसको साइड में रखेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये देखिए आया मेरे पास ओरियो का पैकेट, इसके अंदर व्हाइट क्रीम है, और ये मैंने बेसन के घोल में डाला, और ये मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिप किया इसको, और ऐसे ही हमें डाल देना है ऑयल के अंदर, तो बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो जाएगा। तो देखिए मैंने डाल दिया है। ऑयल का टेम्परेचर आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे पकोड़े तलने के लिए रखते हैं ना, ब्रेड पकोड़ा जैसे बनाते हैं वैसे ही टेम्परेचर रखना है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो मैंने इतना रखा है और काफ़ी बढ़िया से फूल रहा है। बेसन का बैटर तो ठीक है, काफ़ी अच्छा बना है, मतलब फूल भी रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन टेस्ट कैसा होगा वो मैं आपको एंड में ही बता पाऊंगा। पहले बना के ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, बस 4 से 5 पीसेस ही बनाया, टोटल 7 पीस के करीब बने थे, और वो दोनों पैकेट मैंने नहीं बनाया ओरियो का। 10 रुपये का एक में 5 बिस्किट होते हैं शायद, तो 5 से 6 बिस्किट या 7 बिस्किट के करीब मैंने बनाए थे। मैंने सोचा सभी को एक एक ट्राई करवा दूंगा घर में, तो इसीलिए मैंने 6-7 बनाए, नहीं तो मैं एक दो ही बनाता। ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया, ब्राउन हो गया बिल्कुल अच्छे से। इसको तोड़ा तो ये देखिए ओरियो बिल्कुल अंदर से ऐसा लगता है, बिल्कुल सॉगी सा हो गया है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ओरियो, क्रिस्पी नहीं रहेगा, और इसका जो ऊपर का बेस है वो क्रिस्पी है, थोड़ा सा पकौड़े जैसा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया तो अच्छा लगा मुझे, मतलब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जिनको मीठा पसंद है उन्हीं को अच्छा लग सकता है। जिनको पकोड़ा या स्पाइसी पकोड़ा पसंद है, तीखा वैसे पकोड़ा पसंद होता है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अगर ट्राई करना हो तो अगर आप स्वीट लवर हो तभी ट्राई करें। जिनको थोड़ा सा मीठा पसंद है, या अंदर से ये पूरा मीठा मीठा लग रहा है, बाहर से थोड़ा सा मतलब ऐसा नमकीन टाइप का लग रहा है, लेकिन अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चीनी का पाउडर छिड़क के आप इसके ऊपर खा सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी ट्राई ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। पकौड़े नॉर्मल जैसे खाते हैं वैसे ही खाएं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।